जब हमें एक नया फोन चाहिए होता है, हम सर्च करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। जी हाँ, 20,000 रुपए के नीचे एक बेस्ट फोन। आज इस वीडियो में पांच फोन्स की लिस्ट लेकर आया है, जहां पर हम बात करने वाले हैं 20,000 रुपए के नीचे वो पांच जबरदस्त स्मार्टफोन जो कि एकदम नए हैं। हो सकता है एक दो पुराने दिखने में मिल जाए, बट लिस्ट पूरी नई है एंड ये लिस्ट 5G फोन से भरी पड़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर सब कुछ जबरदस्त देखने में मिलेगा। कंप्लीटली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले हम स्मार्टफोन की बात करने वाले हैं, IQOO Z6 Pro 5G। IQOO Z6 Pro 5G 20,999 रुपए की प्राइसिंग में है। एंड अगर हम इसके प्राइसिंग के साथ साथ इसके ऑफर्स वगैरह बात करते हैं, तो अगर आप कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो आप 20,000 रुपए से नीचे इसको परचेस कर सकते हैं। कुछ फोन की प्राइसिंग 100, 200, 400, 500 रुपए ऊपर भी हो सकती है। IQOO Z6 Pro 5G के हम फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक 6.44 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि स्मूथ डिस्प्ले है और 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ वर्क करती है। इस फोन में यहां पर आपको प्रोसेसर जो मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 7 बैंड्स पर काम करता है। और इसी प्रोसेसर साथ आपको यहां पर 6GB की रैम और 8GB की रैम, 128GB का मेमोरी, ये ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। इन ऑप्शंस से आपसे प्राइस कम ज्यादा हो सकती है। अगर यहां पर हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर आपको 4700 mAh की बैटरी, यानी 4700 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 67W का चार्जर देखने को मिल जाता है। यानी बैटरी भी ओवरऑल ठीक है। हाँ, 5000 हो सकती थी, बट कोई इतना मैटर नहीं करता है 4700 5000 में। 5000 तो आजकल 5000 रुपए वाले फोन भी दे देते हैं। तो 4700 mAh की बैटरी को 67W का चार्जर अराउंड 30 से 35 मिनट के आसपास चार्ज करके दे देगा। अगर यहां पर हम बात करते हैं इनके कैमरा सेटअप की, तो यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। पीछे की साइड दो डिजाइन दी गई है कैमरा की, एंड यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके कैमरे बारे में बात करते हैं, तो कैमरा क्वालिटी काफी जबरदस्त है, फोटोज वगैरह काफी अच्छी आती है, बिकॉज 64 और 16 का कॉम्बिनेशन काफी जबरदस्त है। और डिस्प्ले के मामले में भी ये फोन काफी अच्छा है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट की, तो यहां पर आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये जो 20,000 रुपए के प्राइसिंग में फोन आ रहा है, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर सब कुछ ठीक मिल रहा है। बट आगे हमारे और भी फोन हैं, उनकी बात करेंगे। और ये फोन एकदम जबरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं 20,000 रुपए प्राइस में। बट आगे वाले फोन की भी लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर दो स्मार्टफोन पर, Redmi Note 12 5G। अगर हम बात करते हैं तो 20,000 रुपए के नीचे दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 4GB रैम, एक 6GB रैम और 128GB की बेस वेरिएंट मेमोरी। यहाँ पर आपको 128GB से नीचे नहीं मिलेगा। 128GB की जो मेमोरी इसका 4GB रैम का अगर आप लेते हैं, तो अराउंड 17,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 6GB रैम का लेते हैं तो 20,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। रिफ्रेश रेट 120 Hz का, तो स्मूथ एकदम डिस्प्ले चलती है, कोई फिलहाल यहाँ पर डिस्प्ले में इशू नहीं होगा आपको। और यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का आपको 5G 7 बैंड देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोसेसर के मामले में ये फोन काफी अच्छा है, बट ये रेडमी का नोट सीरीज में एकदम बेस्ट वेरिएंट है, रेडमी नोट 12, जिसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा अप है। थोड़े दिन में इसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ा लो हो जाएगी, बिकॉज और बहुत सारे स्मार्टफोन आएंगे और ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन हो जाएगा 20,000 रुपए के नीचे। अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर वही पुराना सा 33W का चार्जर, चाहे हम बात कर लें रेडमी या फिर पोको या फिर रियलमी जैसे फोन्स में, सेम आपको 33W का चार्जर। तो बैटरी और चार्जर में कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। अगर हम अपग्रेड की बात करते हैं, तो केवल ये 5G वेरियंट्स है, एंड साथ में यहाँ पर जो इनका डिस्प्ले है वो भी लगभग ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें भी खास नहीं है, 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले है। बाकी यहां पर बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा भी 48 मेगापिक्सल साथ 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। IQ वाले से थोड़ा सेम है, बट हम लगभग कहेंगे IQ वाला और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाए इसके फीचर्स के मामले में। और अगर फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने में जाता है, तो वो भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ओवरऑल न्यू नहीं लगा है। लेकिन हाँ, अगर हम इसके रेडमी नोट 12 प्रो में जाते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा अच्छा कैमरा ले सकते हैं, 108 मेगापिक्सल के आसपास आप ले सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है, ये भी आपको 20,000 रुपये नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट में अपने नंबर थर्ड स्मार्टफोन की, सैमसंग
A14 5G, अगर आप एक सैमसंग स्मार्टफोन की दीवाने हैं, आपको चाहिए एकदम क्लीन फोन, एकदम जो कि स्मूथ वर्क करे, कोई भी वहां पर आपको एक्स्ट्रा चीजें ना मिले, कोई चाइनीज के नाम से अगर आपको नफरत है, तो आप सैमसंग के A14 5G में जा सकते हैं। यहां पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD पैनल देखने में मिल जाता है, जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट है। देखिए सैमसंग के मामले में डिस्प्ले में कमजोरी करना, ये तो बिल्कुल मतलब मुझे बात सही नहीं लगती है। यहां पर आपको जुनोस का 1330 चिपसेट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो ये 5G बैंड्स पर 5G प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी सही वर्क कर सकता है। थोड़ा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4/64, 6/128 और 8/128 के वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको वही पुराना सा 15W का चार्जर। अब हमने इस फ़ोन को इस लिस्ट में इसलिए डाला है कि एकदम नया फ़ोन अभी आया है, और सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स हैं, बट इसमें एक नया फ़ोन लिस्ट हुआ है, तो इसलिए हमने आपको इस लिस्ट में डाल दिया है। इसको आप देख सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पर इस फ़ोन के और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 MP, 2 MP और 2 MP, साथ में 13 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो इस फ़ोन के बारे में हम ज़्यादा बात ना करते हुए इसको स्वाइप करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की। ठीक है, 20,000 के नीचे अगर आप सैमसंग का चाहिए, बट हमने और बहुत सारे आपको स्मार्टफोन बताए हैं जो कि आई थिंक ज़्यादा ठीक होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट में फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन की, इस फोर्थ नंबर पर दो स्मार्टफोन हमारे पास हैं, Realme 9 Pro एंड सेकंड है हमारा Realme 10 Pro। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो आपको ये फ़ोन अराउंड 20,000 रुपये की प्राइसिंग में देखने को मिल जाएंगे दोनों फोन, कार्ड वगैरह अगर आप और कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.7 इंच की फुल HD LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट से आती है। साथ में पर स्नैपड्रैगन 695 जो कि 5G के बैंड्स लेकर आते हैं, और 6/128, 8/128 के वेरिएंट के साथ यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाता है। और कैमरे में ही बस थोड़ा डिफरेंस है, Realme 10 Pro में आपको 108 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, सेल्फी में आपको सेम 16 MP का कैमरा देखने को मिलता है, और Realme 9 Pro में आपको 64 MP का कैमरा देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 MP, 8 MP और 2 MP, बट 10 Pro में आपको केवल डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, 108 MP और 2 MP, यानी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और बाकी सेम फीचर्स हैं, 5000 mAh बैटरी, जिससे आपको वही 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा कोई खास फीचर्स नहीं है इस फोन को, आप चाहें तो 10 Pro देख सकते हैं। यहाँ पर वाइड एंगल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जब कोई फोटोज क्लिक करते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट में अपने सबसे लास्ट स्मार्टफोन की और सबसे ज़बरदस्त स्मार्टफोन की, तो जी हाँ, मेरे पास है Moto Z82 20,500 रुपये की प्राइसिंग बैलेंस, 20,000 रुपये की बैलेंस की प्राइसिंग में आता रहता है, प्राइसिंग कम ज़्यादा होती रहती है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इस फ़ोन के प्राइसिंग को लेकर इसके फीचर्स बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ये हमारा लास्ट है, बट हम कह सकते हैं एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 120Hz के रिफ्रेश रेट साथ। बाकी यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 13 बैंड्स के साथ आता है, यानी कोई भी बैंड्स पर 5G लॉन्च हो इस फोन में चलने वाला ही है, इस फोन में चलेगा, 13 बैंड्स आते हैं। 6GB रैम और 8GB रैम का वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको 33W का चार्जर देखने को मिल जाएगा, यानी अराउंड 50 से 60 मिनट के आसपास ये आपको फुल चार्ज करके दे देगा। और यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में देखने को मिल जाता है, 50 MP, 8 MP और एक 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, एंड साथ में यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो ये जो फ़ोन है इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ, इस लिस्ट में मुझे कुछ स्मार्टफोन की डिस्प्ले जो मुझे ठीक नहीं लगी, अगर हम बात करते हैं लाइक सैमसंग के गैलेक्सी A14 5G की, या फिर हम बात करते हैं Realme के 9 Pro और 10 Pro की, बट हाँ, इतना ज़्यादा Realme 9 Pro और 10 Pro में आपको डिफरेंस नहीं लगे अगर हम कंपेयर करते हैं चाहे Redmi के Note 12 से, या फिर हम कंपेयर करते हैं IQ Z6 Pro से, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट हाँ, एमुलेट और नॉन एमुलेट में डिस्प्ले बैटरी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज बैटरी जो है वो उतना ज़्यादा खाएगा अगर LCD पैनल है तो, एमुलेट आपका कम डिस्प्ले लेता है, सॉरी बैटरी लेता है, तो वो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। एंड इस 20,000 रुपये की लिस्ट के नीचे आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया है नीचे कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।